नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं उतने ही कर्मकांड हैं और लोग उन कर्मकांडों का बड़ी ही आस्था के साथ पालन करते हैं। जैसे इस्लाम में नमाज पढ़ना फर्ज है, ठीक वैसे ही सनातन धर्म में भी 24 संस्कार हैं। उन्हीं 24 संस्कारों में से एक है उपनयन संस्कार, जिसका वर्णन ऋग्वेद में बड़े ही शानदार तरीके से किया गया है। तो आज हम आपको अपनी स्टोरी में बताएंगे कि आखिर ऋग्वेद में वर्णित उपनयन संस्कार क्या है और कैसे होता है, और उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो जनेऊ पहना जाता है उसे यज्ञोपवीत संस्कार क्यों कहा जाता है। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यत्सर्जम पुरस्तात आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ पहनने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम उपनयन संस्कार के बारे में आपको बताएंगे, ये होता क्या है। उपनयन का अर्थ है पास या नजदीक ले जाना, लेकिन सवाल उठता है कि किसके पास। तो ब्रह्म, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम होते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वो जनेऊ धारण करे और उसके नियमों का पालन करे। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन। अब हम बताते हैं कि जनेऊ क्या है और ये होता कैसे है, और शास्त्रों में जनेऊ के बारे में क्या लिखा है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। ये 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे कोई शख्स बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा के नीचे पहनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र यानी कि 3 धागे का मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश होता है। यही नहीं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होता है, और सत्व, रज और तम के प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक और 3 आश्रमों के प्रतीक भी होते हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस प्रकार कुल तारों की संख्या 9 हुई, जिसे मनुष्य के शरीर के 9 अंगों जैसे कि 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर 9 माने गए हैं। इनका मतलब ये हुआ कि हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। संस्कार के समय जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्ध, काम और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, और ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के समान होता है। यहाँ पर एक और बात बताते चलें कि जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है। जब बच्चे का जनेऊ धारण कराया जाता है तो उस समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन के बाद शिखा रखी जाती है, पैर में खड़ाव होते हैं, मेखला कोपीन दंड होता है। बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है, जिसमें जनेऊ धारक अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसे गुरु दीक्षा के बाद ही धारण किया जाता है। एक बात यहाँ पर बता दें कि अपवित्र होने पर इसे बदल दिया जाता है। जनेऊ धारण की शुरुआत गायत्री मंत्र से की जाती है, जिसमें 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तत्सवितुर वरेण्यम प्रथम चरण में बोला जाता है, और दूसरे चरण में भर्गो देवस्य धीमहि बोला जाता है, और तीसरे चरण में धियो यो नः प्रचोदयात का उच्चारण किया जाता है। जिस दिन बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उस दिन बच्चे का मुंडन कराया जाता है। संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप लगाया जाता है और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर हवन करते हैं।
विधि पूर्वक गणेश आदि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी और बालक को अधो वस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। इसके बाद 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आवाहन के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों के पालन की कसम दिलाई जाती है। ऋग्वेद में उपनयन संस्कार की जो उम्र बताई गई है वो है 8 साल, लेकिन धार्मिक परिवर्तन और सोच बदलने की वजह से लोग अधिकतर जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो कुछ लोग विवाह के पूर्व जनेऊ पहनते हैं, लेकिन वो सिर्फ रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं।